हेलो, चलो ये अपना कंटिन्यू करते हैं। हमारा कहाँ तक हो गया था? लेट मी चेक। ठीक है। हमारे यहाँ तक हो चुका था। हम जरा चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं। चोला डायनेस्टी वाले लोगों की जरा पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमारा हो चुका था, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चोला रूलर, ओहो, ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, फर्स्ट रूलर के बारे में, है ना? चलो, मिल गया हमें। चोला रूलर विजयालय एस्टेब्लिश्ड, विजयालय जो भी इनका नाम है, एस्टेब्लिश चोला रूल इन तमिलनाडु में। बेसिकली उन्होंने अपना चोला किंगडम इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है? विद, ये भी होमवर्क था जो मैंने दिया नहीं था, बेसिकली क्वेश्चन था, पर मैंने दिया। एज इज कैपिटल, और एज इज कैपिटल उन्होंने अपनी कैपिटल क्या रखी थी वहाँ की? थंजावुर, है ना? ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी, नो प्रॉब्लम। आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंड सन परमतक फर्स्ट बेकेम तक, उनकी डेथ के बाद उनके जो ग्रैंड सन थे बुकिंग हुए, उनके बेटे नहीं, उनके, ठीक है? आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंड सन परंतक वन बिकेम द किंग, बिकेम द किंग। ही कंक्वर्ड मदुराई एंड डिफीट पांड्यास एंड रूलर्स ऑफ लंका। ओहो, उन्होंने मदुराई को भी जीता, पांड्यास को भी हराया, लंका के रूलर्स को भी, श्रीलंका के रूलर्स को भी हराया। ओहो, ठीक है। बाय द 11th सेंचुरी AD द चोला पावर हैड रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। ओहो, 11th सेंचुरी तक तो चोला पावर, मतलब चोला डायनेस्टी जो थी वो अपने मतलब पीक पर थी। राज राजा बने हैं सन राजेंद्र चोला वर द टू प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। वो कह रहे हैं इनके बाद लेकिन दो रूलर्स और आए, राज राजा फर्स्ट और उनके बेटे राजेंद्र चोला, है ना? ये और ज़्यादा तो फेमस रूलर्स रह चुके हैं डायनेस्टी के, तो इनके बारे में और डिटेल में बताया गया है, ठीक है? राज राजा वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड कैंपेन इन मेनी डायरेक्शन। वो कहे कि बहुत बड़े, बहुत मतलब ब्रिलियंट जनरल थे आर्मी के, ठीक है? और उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन किए अलग अलग डायरेक्शन से, उन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्शन में जाके अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने लोगों पर वो कैंपेन जारी किए कि यहाँ पे जाओ, ऐसा अटैक करो, वो करो, तो काफ़ी सारे उन्होंने किए। ही अटैक्ट द किंगडम ऑफ पांड्यास, इन्होंने पांड्यास के किंगडम पे अटैक किया, इन द चेरास एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ मैसूर, जिसको मंसूरी बोलते हैं हिंदी में, इन जगहों पर उन्होंने अटैक किया और उनको जीता। राज एज अनेक, अनेक में जोड़ना, अनेक द पार्ट्स ऑफ डेकन, डेकन को भी उन्होंने अपने पास ऐड कर लिया, अपने डैम यानी डेकन को भी अपने कंट्रोल में लिया, एंड ओबरन रेंगी जो जगह है उसको भी, ठीक है? ही डिड दिस इन ऑर्डर टू प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ चोला। ओहो, ये सब उन्होंने पता है जस्ट क्यों किया? उनका कोई अपने एम्पायर बढ़ाने का नहीं था, बस उनको अपनी पावर शो करनी थी, उनको जस्ट अपनी पावर शो करनी थी। ही टुक सम टेरिटरीज ऑफ मैसूर, त्रमकोर, कूर्ग, इन्होंने पास शामिल कर लिया, पास शामिल कर लिया, द कोस्ट ऑफ केरला, सीलोन, आपको मैंने शायद पहले ही बताया था, सीलोन मतलब पहले श्रीलंका का नाम सीलोन था, एंड द मालदीव आइलैंड्स हैड बिकम रिच थ्रू द मनी दैट केम टू देम फ्रॉम ओवरसीज ट्रेड, है ना? इंडिया से टेक्सटाइल्स स्पाइसेस, ये ध्यान दें, इंडिया बेसिकली टेक्सटाइल्स स्पाइसेस प्रेसेस स्टोन्स टू वेस्ट एशियन कंट्रीज। द पीपल हु एशिया हु ट्रेड इन दीज गुड्स वर द अरब मर्चेंट्स, बेसिकली जो लोग उन चीज़ों में ट्रेड करते थे वो अरब मर्चेंट्स, यानी वहाँ से परचेस करके इनको बेचते थे, वो एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स, यानी ये सारी चीज़ बार्टर सिस्टम नहीं था, पैसे लेते थे और सामान देते देते थे। फॉरनर्स काफ़ी सारा वेल्थ लेकर यहाँ पर थ्रू ट्रेड यानी फॉरनर्स हो गया, एक्यूमेट हो गया हमारे पास। राजा राजा वॉज अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफ कंट्रोलिंग द सी, राज राजा को पता थे इम्पोर्टेंस, अच्छे से बहुत अच्छी तरह से अवेयर थे कि एक सी पर कंट्रोल करना कितना जरूरी। ही डिसाइडेड टू शो हिज स्ट्रेंथ अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन पावर को साउथ इंडिया के कोस्ट तक भी लेके जाऊंगा।
नेवल टुक आउट अ नेवल नेवल एक्सपीडिशन एंड अटैक द बोथ श्रीलंका एंड मालदीव आर, तो उन्होंने वो निकल गए और श्रीलंका और मालदीव पर अटैक किया है, और उन्होंने आधा नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट में आधा श्रीलंका उन्होंने अपने कंट्रोल में कर भी लिया, जीत भी गए वो, ठीक है, नॉर्दर्न हाफ है ना, ऊपर वाला केवल हाफ पार्ट भी जीत ही चुके थे। ही बिल्ट द राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, राजराजा ने बनवाया था ये थंजावुर, जो कैपल से पहले सबसे पहले लोगों की वहाँ पर उन्होंने बनवाई थी। ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल टेम्पल आर इंस्क्राइब द मेन वर्क ऑफ राजराजा, इन्हीं वॉल्स पर राजराजा बन के मेन वर्क जो है वो इंस्क्राइब है, इंस्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, इंस्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अंडर हिज रूल उनके रूल में द चोलास बिकेम द सुप्रीम पावर, उनके रूल में चोलास सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे सदर्न इंडिया में। द इंक्रीज इन ट्रेड ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू देयर किंगडम, द इंक्रीज इन ट्रेड ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू देयर किंगडम, चोला मंडलम है ना जो उनका जो उसके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई। इनफैक्ट द वर्ड कोरोमंडल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम चोला मंडलम, वो कह रहे हैं जो चोला मंडलम है ना इसी से कोरोमंडलम आया है। क्यों सर ऐसा क्यों? सी एच को अगर आपको पता तो सी एच को काफ़ी कोलामंडलम हो गया तो कोलामंडलम ने कोरोमंडलम भी बोल दिया। कोई देखो बेटे आ गए, अब उनके बेटे आ गए राजेंद्र चोला। राजेंद्र सक्सीडेड हिज फादर राज राजा है ना फर्स्ट है ना, ही कंटिन्यूड हिज फादर पॉलिसीज, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसीज पर ही काम किया। ही इन्वेडेड एंड अनेक द होल आइलैंड ऑफ श्रीलंका, ओहो उन्होंने तो पूरे आइलैंड को पूरे ही श्रीलंका को अपने कंट्रोल में कर लिया। श्रीलंका वॉज नॉट एबल टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द चोला कंट्रोल फॉर अनदर 50 ईयर्स, ओहो 50 साल तक वो लोग इन्हीं के कंट्रोल में रहे थे, श्रीलंका वाले हमारे कंट्रोल में रहे थे। राजेंद्र कैंपेन वर्क जो तो काफ़ी डेयर जो कैंपेन होते वो काफ़ी डेयरिंग होते थे। एक बार की बात है हिज आर्मी मार्स्ड अप टू द ईस्ट कोस्ट इंडिया, ओहो ईस्ट कोस्ट पर गई अपनी ईस्ट की साइड में, फिर ओडिशा से होते हुए एंड अप टू द गंगा रिवर तक। राजेंद्र चोला हिमसेल्फ लीड द आर्मी अप टू द गोदावरी, ओहो इन्होंने खुद अपनी आर्मी को लीड किया, खुद अपनी आर्मी के जनरल बने, मतलब जनरल हेड बने बेसिकली, अप टू द गोदावरी रिवर यानी रिवर तक गए। देर आफ्टर जनरल्स टुक चार्ज ऑफ द आर्मी, उसके बाद फिर उनके जनरल्स जो थे उन्होंने अपनी आर्मी का चार्ज लिया यानी वहाँ से फिर खुद लेकर द चोला आर्मी डिफीटेड महिपाल जो उस टाइम पे किंग थे बंगाल के है ना, जो उस टाइम पे किंग थे मणिपाल के, टू कमेमोरेट दिस को सेलिब्रेट करने के लिए, टू सेलिब्रेट करने के लिए कमेमोरेट मतलब सेलिब्रेट करना, ही अलॉटेड द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा। उन्होंने क्या टाइटल दिया अपने आप को, एक टाइटल दिया गंगाई कोंडा एंड बिल्ड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम, और गंगाई कोंडा चोलापुरम नाम की कैपिटल बना दी वहाँ पर, ठीक है। हिज मोस्ट डेयरिंग कैंपेन वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। फॉर सेंचुरीज इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग, सालों मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ सदर्न चाइना सो द स्टेट्स ऑफ मलक्का विच वॉज हेल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्री विजय, जो कि आज के टाइम पे इंडोनेशिया कहलाता है बेसिकली, है ना। मतलब वो कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक हम इंडियन मर्चेंट्स साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेडिंग करते थे चाइना के साथ भी ट्रेडिंग करते थे, लेकिन कैसे करते थे, स्टेट्स ऑफ मलक्का से होते हुए रास्ता जाता था जो कि किसके कंट्रोल में था, जो श्री विजय के किंगडम में था। श्री विजय कौन थे उस टाइम पे इंडोनेशिया किंग थे। एज द मर्चेंट्स ऑफ श्री विजय बिगेन, अब बेसिकली श्री विजय जगह का भी नाम है, श्री विजय जगह का ही नाम है, इंडोनेशिया का ही नाम है श्री विजय। तो वो कह रहे हैं एज द मर्चेंट्स ऑफ श्री विजय बिगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन मर्चेंट, जैसे ही श्री विजय के मर्चेंट हम लोगों के लिए इंडियन मर्चेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, द इंडियन मर्चेंट्स अपील टू राजेंद्र चोला, इंडियन मर्चेंट उस टाइम पर किंग से उसे हेल्प मांगी। ही सेंट आउट निर्मला वाटर वाली आर्मी ओशन वाली आर्मी एंड डिफीटेड द श्री विजय किंग, और उन्होंने श्री विजय किंग को हरा दिया यानी वहाँ के इंडोनेशिया किंग को हरा दिया। एज अ रिजल्ट इंडियन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन सदर्न चाइना कंटिन्यू, और जिस वजह से अब वो ट्रेड हुआ कंटिन्यू रहा, देयर बाय ग्रेटली इन रिचिंग द चोला किंगडम, और इस तरह से उनका क्वालिटी भी एनरिच हुई, ग्रोथ उनकी हुई, थोड़ा फेम उनको मिला। ही बिल्ट मैग्निफिसेंट पैलेसेस एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट इज न्यू कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ते हैं लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा लगा। चोला सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट। लगता है जिस तरह से उन्होंने रूल किया, कोई कोई दिक्कत होती है हाल पर अटैक करके, जगह पर अटैक करिए, तो सारी चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक होती थी, पता चलता है ये हम ऊपर जो पड़ा उसमें ये समझ सकते हैं। द किंग वॉज अ पाइवट, पाइवट मतलब के स्किल्ड, बहुत बड़ा एक्सपर्ट। किंग वॉज द पाइवट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किंग जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एक्सपर्ट थे। ऑल द अथॉरिटी रेस्टेड इन हिज हैंड, और सारी की सारी अथॉरिटी उन्हीं के हाथ में रहती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात किया, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था। द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रहा है एज ऑल अथॉरिटी वॉज वेस्टेड इन हिम। वो कह रहे हैं कि क्योंकि सारी अथॉरिटी किंग के पास होती थी, इसीलिए किंग ही वहाँ पे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता था वो किंग ही होता था। बट ही हैड काउंसिल मिनिस्टर्स, लेकिन उसके पास बहुत सारे मिनिस्टर्स के काउंसिल था टू एडवाइज, जो उनको सलाह दे सकें अलग अलग टॉपिक्स पर, क्योंकि हर कोई हर मैटर पर, आपको एक बार बता भी सकूँगा मैं कि ये काउंसिल क्यों होता है, क्योंकि हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है, उसको काउंसिल बोलते हैं, ताकि जिस टॉपिक में यहाँ किसी किंग को डिसीजन लेना है तो वो उस फील्ड के एक्सपर्ट से थोड़े ओपिनियन ले ले, ठीक है। द किंग ऑफन वेंट ऑन टूर इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। किंग कभी कभी टूर ये चेक करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी एब्सेंस में सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। द ऑफिसर्स वर पेड बाय गिविंग देम असाइनमेंट्स इन रेवेन्यू बियरिंग लैंड, ऑफिसर्स को पे किया जाता था बाय गिविंग असाइनमेंट्स इन रेवेन्यू बियरिंग लैंड। टैक्स की बात करें, टैक्स की बात करें, इसके द प्रिंसेस वर एसोसिएटेड विद द एक्टिवली कोब्रेंस एंड एक्टिवली एम्प्लॉयड इन पीस एंड वॉर। प्रिंसेस का भी ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत रोल एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारे काम दिए गए, कोब्रेंस को रूल करना, ठीक है, पीस एंड वॉर मेंटेन करना, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुकड आफ्टर एक्सटर्नल डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो इसके एक्सटर्नल डिफेंस, बाहर से कोई अटैक ना हो जाए, इंस्टीट्यूट को ध्यान देती थी। इंटरनल पे अपने अंदर भी, अपने अंदर अपने टेरिटरी के अंदर भी पीस एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखे, मेंटेन करके रखें, ये भी ध्यान रखते हैं। प्रमोशन ऑफ जनरल प्रॉस्पेरिटी लो हो, प्रॉस्पेरिटी ग्रो हो, उस पर भी ध्यान दिया जाता था। कल्चर का प्रोग्रेस हो उनके एम्पायर में, ये चीज़ भी सेंट्रल लेवल के बहुत वास्ट सिस्टम हो गए। अब आ जाओ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, कि जो एक प्रोविंशियल आपके को बता देते हैं स्टेट गवर्नमेंट है ना, कह सकते हो। स्टेट में क्या होता है, चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स, तो वहाँ पे स्टेट नहीं होते थे, वो मंडलम्स में बात करते थे, ठीक है, मंडलम्स में डिवाइड हो गया था ये, है ना। अब फर्दर वो डिवाइड हो गया फिर किस में, वलंदू में, वलंदू एंड नाडू, ठीक है, जो प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। इन प्रोविंसेस के राजा कौन होते थे, बेसिकली प्रिंसेस होते थे, कौन होते थे, इनके गवर्नर जो होते थे बेसिकली प्रोविंसेस के, वो प्रिंसेस होते थे, ठीक है, कोई और कुछ ज़्यादा नहीं बताया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द चोलाज वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स बट दे बिलीव इन लोकल, दे बिलीव इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल से वो गवर्नमेंट को लोग वो सेंट्रल लेवल से एक छोटी छोटी जगह को कंट्रोल कर रखें, उनका बिलीफ था कि छोटी जगह पे एक छोटा सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। इन मैनी ऑफ द विलेजेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फील्ड, यहाँ तक एक गाँव में वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, नॉट बाई द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हाँ गवर्नमेंट ऑफिसर दी विलेजर्स देमसेल्स, एंड दी विलेजर्स देमसेल्स, यानी उन्होंने विलेजर्स को ही सरपंच वगैरह वाला सिस्टम जो था ना उन्हीं को ऐसे इन्वॉल्व कर लिया। दिस विलेजेस हैज थ्री टाइप्स ऑफ विलेज असेंबलीज, यहाँ पर भी तीन तरह की असेंबलीज होती थी। पहली है, आपको लगा सर नाम है तो शुरू होते ख़त्म हो गया, और सभा नागराम, देर आर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑन ऑल्स ऑफ सम ऑफ द ब्लेज, ऑल्स ऑफ सम ऑफ द ब्लेज टेम्पल गिविंग डिटेल्स ऑफ हाउ द उर एंड सभा, इन ब्रिजेस की वॉल्स पर, इन ब्रिजेस की वॉल्स पर, इन ब्रिजेस के टेम्पल्स की वॉल पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे लिखे हैं जिससे पता चलता है कि उर और सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी। फिर कह रहा था उर वॉज अ कॉमन टाइप ऑफ असेंबली, ओहो उर क्या थी, उर क्या थी, कॉमन टाइप ऑफ असेंबली ऑफ विलेजर्स, ये तो आपको समझ नहीं, नहीं याद ही नहीं करना, विलेजर्स की थी या नहीं थी, सिटी की तो हो नहीं सकती, प्रोविंस की हो नहीं सकती, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ रहे, नहीं विलेजेस की बात कर रहे हैं। द लैंड वॉज वेयर द लैंड वॉज हेल्ड बाय ऑल क्लास ऑफ पीपल हु वर देयर थ्रू मेंबर्स ऑफ द लोकल असेंबली, बेसिकली मतलब वहाँ पर जो यहाँ पे है ना लैंड वॉज हेल्ड,
इसका मीटिंग मीनिंग लैंड ऑफ द हेल्ड का मतलब अटेंड, ऐसे असेंबली अटेंड कौन करता था, लैंड ऑफ द हेल्ड अटेंड कौन, उसको मीटिंग को अटेंड करता था, असेंबली को अटेंड कौन करता था, केवल वो लोग जो कि मेंबर्स थे उस असेंबली के, मेंबर्स थे असेंबली के, ठीक है। द सभा बॉस, और सभा की वजह सभा क्या थी, सभा बॉस एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली, यानी इसके अंदर केवल ब्राह्मण लोग ही आ सकते हैं। इसके अंदर क्या था, ऑल क्लासेस यहाँ पर केवल ब्राह्मण, फिर ऑल द लैंड बिलोंग टू ब्राह्मण, यहाँ पे जितने लोग होते थे वो सारे ब्राह्मण से होते थे। नागराम वॉज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स एंड बिलोंग टू लोकेलिटीज वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर इन डोमिनेंट पोजीशन। ओहो, यानी बेसिकली आप कह सकते हो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की, क्योंकि जितने बिजनेसमैन थे उनकी जो मीटिंग्स होती थी जो किस नागरा में होती थी, जो किस नागरा में होती थी। इन्हों का मीनिंग समझ में आ गया। विलेजर्स हु ओन्ड लैंड वर चूजन बाय अ वोट टू द काउंसिल, मतलब जिसकी जो लैंड होती थी ना, विलेजर्स हु ओन्ड लैंड वर चूजन बाय अ वोट टू द काउंसिल। अब जैसे किसी को, मतलब अगर किसी को मीटिंग का काउंसिल का मेंबर वेड वोट दिया जाता, उसको वेड वोट दिया जाता, उसको क्या दिया जाता था, वोट दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो काउंसिल में ऐड हो सके। द लाइफ एंड द वर्क ऑफ द ब्रिजेस वर डिस्कस्ड इन दिस काउंसिल, ठीक है। दिस वाज अ सोर्स ऑफ पॉपुलर स्ट्रेंथ बिकॉज इट यूनाइटेड द पीपल। वो कह रहे हैं ना, एक पॉपुलर सोर्स का ना, एक पॉपुलर सोर्स ये भी था क्योंकि इससे लोग यूनाइटेड रहते थे, लोग एक साथ रहते थे। ऑल अफेयर्स कंसर्निंग द विलेजेस सच एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड एलोकेशन ऑफ वाटर, वो लोग ड्राफ्टर बाय द कमिटीज, और उनके लिए अलग अलग कमिटीज बना दी गई थी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। इन द चोला द टेम्पल इन द चोला किंगडम वॉज द सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटी, द टेम्पल इन द चोला किंगडम वॉज द सेंटर ऑफ सोशल एक्टिविटी। वो कह रहे हैं जो टेम्पल होते थे वो सोशल एक्टिविटीज का सेंटर होते थे, और वैसे तो यहीं पर ज़्यादातर होती हैं आज के टाइम पर भी। प्लेस ऑफ वर्शिप, नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो प्लेस ऑफ और सब प्लेस वेयर पीपल गैदर टुगेदर। नो खैर, ये कोई पूजा करने की जगह नहीं था, ये केवल एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। सम टेम्पल्स ओन्ड ह्यूज लैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन लैंड एंड ओवरसीज ट्रेड, कुछ लोगों कुछ टेम्पल्स ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, और कुछ टेम्पल ऐसे होते थे जो इन लैंड ओवरसीज ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे। इन टेम्पल्स के थ्रू ट्रेडिंग होती थी, टेम्पल्स से ट्रेडिंग होने का मतलब है कि किसी रिवर के किनारे पर, किसी रिवर के बैंक पर, रिवर बैंक पता है ना किसे मिलते हैं, तो किसी रिवर बैंक को तो टेम्पल हो, तो वो उसको रिवर बैंक को एक तरह से एज अ पोर्ट भी वो यूज थोड़े कर लेते थे टेम्पल को। द लैंड्स डोनेटेड टू द टेम्पल्स आर नोन एज द देवदाय, देवदाय और देवदान। अब वो कह रहे थे लैंड इन टेम्पल्स को जो लोग डोनेट करते थे, ऐसे लैंड को पता क्या बोलता था, देवदान, कि भगवान को आप देवदाया और एक देवदान अपने भगवान को दान दिया। इन सम केसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग लैंड टू टेम्पल्स, कभी कभी लोग लैंड को वो टेम्पल्स को लैंड देने की जगह रेवेन्यू इन सम केसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग लैंड टू टेम्पल्स लैंड रेवेन्यू सर्टेन विलेजेस वर असाइन टू द टेम्पल एंड कंसर्न विलेजेस इंस्ट्रक्टेड टू पे लैंड रेवेन्यू इन प्रोड्यूस एंड इन गोल्ड टू द टेम्पल ट्रेजरी। कभी कभी लोग लैंड नहीं देते थे, कभी रेवेन्यू देते थे, रेवेन्यू देते थे, कभी कभी लोग गोल्ड वगैरह देते थे, ठीक है, ताकि वो टेम्पल के ट्रेजरी में, टेम्पल के खिलाने में खट्टा होता रहे। टेम्पल्स आर ऑल्स द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर द स्टेट। वो कह रहे हैं स्टेट के बाद अगर कोई सबसे जॉब होती थी वो टेम्पल में होती थी, टेम्पल में लोगों को जॉब पे रखा जाता था कि वो ये संभाले वो संभाले। प्रोवाइडिंग वर्क एंड मीन्स ऑफ लेवलीहुड, लोगों को काम मिलता था, लोगों को लेवलीहुड पैसा मिलता था रहने के लिए, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओ हो क्या बात है। द टेम्पल यूज टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ इट्स वर्कर्स, टेम्पल में लोगों बॉडी फूड क्लोथिंग, हाउसिंग फैसिलिटीज एंड बाय अरेंजिंग प्रॉपर एजुकेशन भी, ओके, एंड एस्टेब्लिशिंग हॉस्पिटल्स, ओके। द टेम्पल वॉज ऑल्सो सेंटर फॉर एजुकेशन, टेम्पल में मतलब एजुकेशन का भी सेंटर था। द प्राइस ऑफ द टेम्पल वर द लोकल टीचर्स, ओके, ये तो याद लेकिन ना सही है, लॉजिकल है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा टेम्पल जो था वहाँ पर पढ़ाई भी होती थी, और ये थोड़ा इम्प्लाइड है कि टीचर्स कौन होंगे, प्राइस वहाँ के पुजारी तो होंगे टीचर, और कोई सेपरेट स्कूल नहीं होता था वहाँ पर, क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई सेपरेट से नहीं होता था, तो ये प्राइस को पढ़ा देते। द स्कूल वर हाउस इन द टेम्पल कोर्ट यार्ड, मतलब वो टेम्पल के कोर्ट यार्ड में होते थे स्कूल। स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन इन टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस होते थे वहाँ पर, संस्कृत में और तमिल में।
द रिलीजियस टीचिंग वॉज इन संस्कृत, जो रिलीजियस टीचिंग जो पढ़ाते थे, रिलीजियस टेक्स्ट जो पढ़ाते थे वो संस्कृत में पढ़ाते थे, क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट हुए लाइक है ना तो वो सब संस्कृत में होते थे, क्यों होते थे वो संस्कृत में होते थे। द स्टूडेंट लर्न तमिल, वो तमिल भी सीखते थे, विच वॉज वाइडली स्पोकन इन दैट रीजन है ना, किंगडम, वो उनकी लैंग्वेज, किंगडम वो उनकी लैंग्वेज थी, तो वो तो बोलेंगे बोलेंगे। तमिल वॉज इंफ्लुएंस वॉज संस्कृत एंड ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स। तमिल को, तमिल वालों को संस्कृत लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज सारे वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट किया। हैंग हो गया, साइड हो गया, हो गया। तो ये ख़त्म भी हो गया, इसको ख़त्म भी कर देते हैं, कल एक काम कर देंगे, कल तो नहीं संडे को ना, इस चैप्टर के और आपके जितने पूरे डाउट्स हैं ना पहले वो ले लेंगे, कुछ नया करने से पहले, ठीक है? लाइव भी ले लूँगा, लाइव भी ले लूँगा मैं, आपके सारे डाउट्स हैं ना। द रेवेन्यू सिस्टम, द रेवेन्यू ऑफ द चोला किंगडम केम फ्रॉम टैक्स ऑन लैंड, जो सबसे ज्यादा टैक्स लैंड वो रेवेन्यू होता था वो कहाँ से था? टैक्स ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस ऑफ लैंड, यानी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका पार्ट आप किंग को दोगे, ठीक है? एंड टैक्स ऑन ट्रेड, जो बिजनेस कर रहे हो उसका भी टैक्स, पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वाज केप्ट फॉर द किंग, ये किंग के पास रखा जाता, रेस्ट वाज यूज्ड इन पब्लिक वर्क, ठीक है? थोड़ा सा किंग के पास रखा जाता था, थोड़ा सा पार्ट ताकि इमरजेंसी में यूज हम उसको कर सकें, और बाकी सारे इमीजिएटली यूज़ के लिए जाता था पब्लिक वर्क में, है ना? लाइक बिल्डिंग बनाने में, रोड्स बनाने में, सैली देने बनाने में, सैली देने में उनके ऑफिसर्स को, पेइंग फॉर द अपकीप ऑफ आर्मी, आर्मी के लिए, ऑन द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स के लिए, है ना? टैक्सेस ऑन लैंड वर कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स फ्रॉम द ग्रेट काउंसिल्स, ठीक है? सोलह आठ, हम उनके आठ के अंदर बता रहे हैं। सोलह रूलर्स वर ग्रेट कंक्वेरर्स एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है? पढ़ चुके हैं अभी तक। दे लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनको आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। दे बिल्ट टेम्पल्स, उन्होंने कब से बनवाए टेम्पल्स, बनवाए कैनल्स, बनवाए रोड्स, बनवाए सिटीज, बनवाए पैलेसेस, बनवाए। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर बिल्ट इन द द्रविड़ियन स्टाइल, वो जो इनका स्टाइल था तमिल वालों का, उन्होंने सारे उसी स्टाइल में बनवाए। अर्ली चोला टेम्पल्स वर सिंपल स्ट्रक्चर्स, लेटर टेम्पल्स बिकेम बिगर एंड मोर ग्रैंड, ओके? द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टोन एंड स्टोन एंड मेटल इमेजेस हैड मेड रेड रूलर, चोला रूलर, वो कह दें पत्थर से कुछ बनाना और मेटल से इमेजेस बनाना, ये इस टाइम पर काफ़ी आर्ट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है इन चोला रूलर्स के टाइम पर। द चोलाज एक्सेल्ड इन मेकिंग इमेजेस ऑफ गॉड, गॉड्स एंड गॉडेस, इन लोगों ने एक्सेलेंस उन्होंने अचीव कर लिया था, मतलब ये बहुत एक्सपर्ट हो गए थे कि भगवानों की और देवियों की, देव देवताओं की मूर्तियां बनाने लग गए थे, ठीक है? द ब्रॉन्ज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा इज नटराज, लॉर्ड ऑफ डांस, इज एन एक्सेलेंट वर्क ऑफ आर्ट। द इमेज ऑफ नटराज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कल्चरल आइकॉन ऑफ द चोला पीरियड, मुझे नहीं पता, शायद जो भगवान शिव का जो नटराज मुद्रा है, भगवान शिव का जो नटराज फॉर्म है, आई थिंक सबसे पहले इन्हीं इन लोगों ने बनाई, तमिल वाले लोगों ने, और ये किसमें बनाई, उन्हीं लोगों ने बनाई ब्रॉन्ज में। ये कैसी है, ये किस मटेरियल की बनी हुई है ये पिक्चर, ये जो आपका सिंबल है बेसिकली, जो आप मूर्ति का उसको जो भी कहो, ब्रॉन्ज में, किसमें बनी है, ब्रॉन्ज में, ठीक है? और ये इनका सबसे बढ़िया इनका वो माना जाता है, इनके सबसे लॉर्ड ऑफ डांस है ना, इनको इनका एक्सलेंट वर्क ऑफ आर्ट कहा जाता है। द इमेज ऑफ नटराज हैज बीन डिस्कवर्ड एज अ कल्चरल आइकॉन, चोला पीरियड के टाइम पे उसको कल्चरल एप्टम कहा जाता है, कि ये हमारे कल्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सब आपका होमवर्क है, सब आपका होमवर्क है, ठीक है? जो ना समझ में फिर वो मेरे सारे कल पूछ, नेक्स्ट लाइव क्लास में पूछ लेना, ठीक है?